नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। भारत आज दुनिया में सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है। पिछले एक साल में हिंदुस्तान का विकास 7% की दर से हुआ है और ये विकास पूरी तरह से भारत के शहरों पर निर्भर है। हमारे शहर आर्थिक पावर हाउस के रूप में उभर रहे हैं, लेकिन इस उन्नति में जब ये शहर यहाँ होने वाले अपराधों के लिए बदनाम होते हैं तो तरक्की की राह पर ये अपराध रोड़े की तरह महसूस होते हैं। हम रोज उन्नति के नए रास्ते तलाश रहे हैं, लेकिन अपराध करने वाले भी अपराध करने के नए नए तरीके अपना रहे हैं। ऐसे शातिर अपराधियों से निपटने के लिए पुलिस को कई तरह के एडवांस तरीके अपनाने पड़ते हैं, लेकिन कुछ अपराधी इतने शातिर हो गए हैं कि उन्हें पकड़ना पुलिस के लिए भी चुनौती बन जाता है। आज का एक केस हरियाणा के पानीपत शहर से जुड़ा है, जो कि कई ऐतिहासिक लड़ाइयों का मैदान बना, लेकिन साल 2017 में वहां के एक कुख्यात अपराधी द्वारा पुलिस को ललकारा जा रहा था। जो बेवकूफ घना दिमाग लगावे है, बेरा है ना, उससे अपने हरियाणा में की कहवे से अटकल पच्चू मने जोकर। पानीपत पुलिस वालों, तुम जोकर हो, जोकर अटकल पच्चू बैल दिमाग। इंस्पेक्टर राजेंद्र चौधरी, पीएसआई सुरेश वशिष्ठ और एएसआई महेश त्यागी। तुम मुझे क्या, मेरी लंगोट भी ना ढूंढ पाओगे। सर, इस बार इसने पोस्ट बागपत से किया था। चर्बी बढ़ती जा रही है इसकी। यूपी पुलिस का वो बागपत का कोना कोना छान मारे। एक बार मेरे हाथ लग जाए, इसका अटकल पच्चू तो मैं निकालूंगा। सर, वो बागपत से भी भाग गया। बागपत से वो हरियाणा भी आ सकता है, राजस्थान भी जा सकता है। राजस्थान पुलिस को इन्फॉर्म करो, वो किसी भी तरह हमारे हाथ आना चाहिए। ठीक है सर। पुलिस को जोकर कहने वाला ये अपराधी पुलिस को चैलेंज करके बार बार चकमा दे रहा था। कौन था ये जो अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बार बार पुलिस का मजाक उड़ा रहा था? बड़ा भारी बंदोबस्त है, चूड़िया पहन लो पानीपत पुलिस वालों। बेवकूफों की पूरी फोर्स भी मिल जाए तो भी कोई मेरी पूछ ना फाड़ सकता। सर, इस बार उसने ये पोस्ट राजस्थान के चुरू से की है। सुरेश सर, राजस्थान पुलिस को अलर्ट करो, इस बार यहां से निकलना नहीं चाहिए। ओके सर। सर, वो चुरू से भी भाग गया। पुलिस को बेवकूफ, जोकर, अटकल पच्चू और न जाने क्या क्या कहने वाला वो अपराधी लगातार सोशल मीडिया पे एक्टिव है और वो पानीपत पुलिस को लगातार चेतावनी दे रहा है। वो कह रहा है कि पुलिस ने चूड़ियां पहन रखी है, लेकिन अब देखना ये है कि क्या पुलिस उसको हथकड़ी पहना पाएगी या नहीं। दूर से देखा तो पुलिस टोपी लगा रही थी, पास आके देखा तो बाल खुजला रही थी। ओ तेरी, वो तो फिर से मार के भाग गया। सोशल मीडिया के इस मनचले अपराधी को पकड़ना पानीपत पुलिस के लिए इज्जत का मसला बन गया था। वो आए दिन पुलिस को इधर उधर भटका रहा था, लेकिन हाथ नहीं आ रहा था। लेकिन ये अपराधी बार बार पुलिस को ऐसे चैलेंजेस क्यों दे रहा था? आखिर पुलिस को चैलेंज करके ये साबित क्या करना चाहता था? तीन राज्यों के पुलिस विभाग में हड़कंप मचा देने वाला ये अपराधी आखिर था कौन? उड़ती चिड़िया के पर गिनने की मेहनत नहीं करता मैं तो देखते ही पर काट देता हूं चिड़िया के।
वाह क्या कमाल लिखते हो, आपकी बातें तो सुन के कोई भी आप पे फिदा हो जाए। फिदा नहीं फना कहते हैं, जो कह न सके उसको जुबा कहते हैं। वाह आपकी बातें तो आपसे मिलने की तमन्ना बढ़ा रही है। भैया माँ बुला रही है, चलिए खाना खा लीजिए। तू चल मैं आता हूँ, ठीक है? अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे पता है आप वापस से इस लैपटॉप में लग जाओगे। अरे चलिए ना, माँ और पापा दोनों इंतजार कर रहे हैं। तू चल मैं आ रहा हूँ, बस दो मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है? जल्दी आना। हाँ हाँ हाँ, प्लीज एक बार मिल सकते हो? लेट्स टेक अ ब्रेक एंड होप फॉर द बेस्ट। भैया हाँ क्या बात है भैया, किससे बातें कर रहे थे? मेरे लिए भाभी मिल गई? नहीं रे पगली, जिज्जत ढूंढ रहा था। वो क्या है ना, तेरी उम्र हो गई है शादी की। अपनी उम्र देखिए, मेरी उम्र है। माँ आज सब्जी में क्या बनाया? आलू गोभी। आलू गोभी? पर मैं तो पनीर अरे पनीर ला के देगा तब तो बनाऊंगी ना, कितनी बार बोला है कि अगर पनीर खानी हो तो हरिदास डेयरी से पनीर लेके आ जाया कर, लेकिन नहीं। लेकिन माँ शाम को तो भैया पनीर लेकर आए थे। क्या पनीर लाया था? अच्छा कोई बात नहीं, कल बना दूंगी, ठीक है? मालती लगता है तेरी दवा असर ना कर रही है, तू फिर सब कुछ भूलने लग गई। कल मेरे साथ डॉक्टर के पास चल तू। नहीं जी मैं आपके साथ डॉक्टर क्या नहीं जाऊंगी, मुझे ले जाएगा प्रमोद। सुरभि प्रमोद और अपने पापा को बुला ले, खाना तैयार है। लेकिन माँ भैया अभी तक घर ही नहीं आए हैं। अच्छा तो मैं भूल गई, प्रमोद अभी तक नहीं आया? नहीं। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। पापा भैया का फोन तो स्विच ऑफ बता रहा है। अरे बेटा हो सकता है उसके फोन की बैटरी उतर गई हो, उसके लैब में फोन करके पूछ। जी पापा। जी ठीक है। पापा वो तो कह रहे हैं कि आज भैया लैब ही नहीं आए। लैब नहीं गया? मालती आज सवेरे प्रमोद तुझे डॉक्टर के पास लेके गया था ना, और यहाँ दरवाजे पर छोड़ने के बाद वो ऑफिस जाने वाला था, जाने से पहले कुछ कुछ बोला प्रमोद? डॉक्टर? कौन डॉक्टर? अरे माँ भैया आपको डॉक्टरनी के पास लेके गए थे ना। अरे इस भुलक्कड़ ने कुछ नहीं याद आवेगा, मैं प्रमोद के दोस्तों से जाके पूछता हूँ, शायद उन लोगों ने कुछ पता हो। माँ आप याद करने की कोशिश कीजिए, भैया आपको डॉक्टरनी के पास लेके गए थे, फिर कह रहे थे कि आपको घर छोड़ेंगे उसके बाद लैब जाएंगे। भैया ने आपसे कुछ कहा था? तो प्रमोद आज ऑफिस नहीं पहुंचा, लेकिन सुबह ऑफिस जाने के लिए निकला था। जी सवेरे तो वो अपनी माँ को डॉक्टर के पास दिखाने के लिए निकला था, उसके बाद वो अपनी माँ को घर छोड़ने के बाद ही ऑफिस जाने वाला था, और अपनी माँ से उसने कुछ कहा भी था, पर उसकी माँ को कुछ याद नहीं आ रहा है कि क्या कहा था उसने। याद नहीं आ रहा मतलब? मेरी बीवी को भूलने की बीमारी है जी। तो प्रमोद अपनी माँ को कौन से डॉक्टर के पास लेके गया? डॉक्टर सरोजनी वशिष्ठ, दिमाग की डॉक्टर है वो, सलोनी रोड पर उनका क्लिनिक है, उन्हीं से प्रमोद की माँ का इलाज चल रहा है। ठीक है आप प्रमोद की सब डिटेल्स दे दीजिए, हम पता करते हैं। सर प्रमोद हमारे यहाँ लैब टेक्नीशियन है, सुबह फोन करके उसने मुझसे छुट्टी मांगी थी। सर बहुत जरूरी काम है, आप प्लीज एडजस्ट कर लीजिएगा। कोई बात नहीं प्रमोद, आई विल मैनेज। सर वो कभी छुट्टी नहीं लेता, बहुत ही पंक्चुअल और हार्ड वर्किंग है। सुरेश पता करो प्रमोद ने कल वाकई छुट्टी ली थी या उसका बॉस हमसे कुछ छुपा रहा है। ठीक है सर।
हेलो, ठीक है सर। प्रमोद के फादर ने हमसे कहा था कि प्रमोद अपनी माँ को लेकर डॉक्टर सरोजनी की क्लिनिक गया, लेकिन अभी फोन पे पता चला है कि वो क्लिनिक कल बंद था। वही तो मैं कह रही हूँ कि प्रमोद मुझे कोई डॉक्टरनी के पास लेके नहीं गया था, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि वो मुझे डॉक्टरनी के पास लेके गया था। माँ, भैया मेरे सामने आपको ऑटो में क्लिनिक लेकर गए थे, लेकिन क्लिनिक कल बंद था। आपको पता है प्रमोद कल कहाँ गया था? सर जी, मैंने आपको बताया था ना कि मेरी बीवी को भूलने की बीमारी से। तो आप में से किसी को कोई आइडिया है कि प्रमोद कल ऑफिस से छुट्टी लेके कहाँ जाने वाला था? हाँ त्यागी सर, करनाल पुलिस को करनाल हाईवे पे एक डेड बॉडी मिली है। उन्होंने उसकी फोटो सारे पुलिस स्टेशन्स में सर्कुलेट कर दी है। उसका फोटो इधर भी भेज दो। ओके सर। कल जब प्रमोद घर से निकला था तो उसने कौन से रंग के कपड़े पहने हुए थे? सर, भैया ने लाइट पर्पल कलर की शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी थी। सुरेंद्र जी, हमें करनाल हाईवे पे एक लाश मिली है, क्या ये प्रमोद? आपका करनाल में कोई रिश्तेदार है या प्रमोद का कोई दोस्त जिसे वो मिलने गया होगा? नहीं सर जी, हमारा करनाल में कोई नहीं है। पता नहीं प्रमोद बाप। ये बॉडी हमारी पेट्रोलिंग टीम को हाईवे के पास पड़ी मिली थी। बॉडी के पास हमें कुछ भी नहीं मिला, ना पर्स ना मोबाइल, लेकिन बॉडी के पास रोड पे हमें ब्लड स्पॉट्स जरूर दिखाई दिए। हमें लगता है कि इसके सर को किसी व्हीकल से कुचला गया है, लेकिन जब हम इसकी बॉडी को यहाँ पर लेकर आए तो प्राइमरी रिपोर्ट से हमें यह पता चला कि इसके सर में गोली भी लगी। गोली? शेर कभी कुत्ते की मौत नहीं मरता। अपनी औकात में रहो पानीपत पुलिस वालों। थाने में मच्छर मारो मच्छर, शेर का शिकार तुम्हारे बस का नहीं। प्रमोद की हत्या के 20 दिन बाद पानीपत पुलिस को ये सोशल मीडिया अपडेट्स मिलने शुरू हो गए थे, लेकिन अपराधी हाथ नहीं लग रहा था। लेकिन सोशल मीडिया के उस मंचले का प्रमोद के मर्डर से क्या कनेक्शन था, और मौजूदा वक्त में जो लाश करनाल से मिली थी उसका चेहरा पहचानना मुश्किल था। लेकिन प्रमोद के पेरेंट्स ने बताया कि बॉडी पर जो कपड़े थे वो प्रमोद के थे, इसलिए बॉडी की आइडेंटिटी को कंफर्म करने के लिए डीएनए टेस्ट किया जा रहा था, और प्रमोद के कॉल रिकॉर्ड से इस केस की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की जा रही थी। सर, प्रमोद का फोन उस दिन करनाल में ही बंद हुआ था, और सर उसके फोन से आखिरी कॉल किसी आशीष धूमल को की गई थी। सर, ये आशीष समालखा का रहने वाला है, और इसका फोन भी रात 11 बजे तक करनाल में एक्टिव था। ये देखिए। तो हो सकता है आशीष उस दिन प्रमोद के साथ ही हो। उठा के लाओ इसे। ओके सर। साहब, प्रमोद मेरा दोस्त था, मैं अक्सर करनाल जाता रहता था। कल उसने फोन करके मुझे करनाल तक की लिफ्ट मांगी थी, मैंने उसे पानीपत से पिक किया और करनाल हाईवे पे छोड़ दिया। वो रात को मेरे साथ पानीपत आने वाला था, बोल रहा था कि फ्री होगा तो मुझे कॉल करेगा, लेकिन उसने कॉल नहीं किया, और जब मैंने उसे कॉल किया तो उसका फ़ोन ऑफ आ रहा था। उसने अपना फ़ोन ऑफ कर रखा था या तूने फ़ोन के साथ साथ उसे भी ऑफ कर दिया? आप यो के बोल रहे हैं? प्रमोद मेरा दोस्त था। हमें प्रमोद की डेड बॉडी करनाल हाईवे पे मिली थी, और उस रात तू भी करनाल में था। साहब, मैं आए दिन करनाल आता जाता रहता हूँ। प्रमोद को वहाँ ड्रॉप करके मैं अपनी पार्टी के पास आ गया था। कैसी पार्टी? सर, मैं लैब इक्विपमेंट सप्लाई करता हूँ, कल मैं जीटी लैब में था। आप चाहो तो पूछ सकते हो। पता करो इस आशीष और प्रमोद का आपस में रिश्ता कैसा था, और जिस जीटी लैब के बारे में बात कर रहा है वहाँ से पूछताछ करो। अगर ये झूठ बोल रहा है तो सच जल्दी सामने आ जाएगा। सर, करनाल पुलिस ने प्रमोद की लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भेजी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से प्रमोद की हत्या सर में गोली लगने से हुई, और उसके सर में कांच के टुकड़े भी मिले हैं।
और इस रिपोर्ट में यह भी मेंशन किया हुआ है कि हत्या के वक्त प्रमोद ने बहुत शराब भी रखी थी। सर, इसका मतलब यह हुआ कि नशे की हालत में पहले उसके सर पे कांच के ऑब्जेक्ट से वार किया गया और उसके बाद उसके सर पे गोली मारी गई। अगर हत्या गोली मार के की गई तो फिर चेहरा क्यों बिगाड़ा गया? सर, हो सकता है कि बॉडी की पहचान ना हो सके इसलिए, क्योंकि किलर को डर था कि अगर बॉडी की पहचान हो जाती तो उसे पकड़ा जा सकता था। और सर, वैसे भी ना तो बॉडी के पास हमें कोई मोबाइल फोन मिला है, ना ही पर्स और ना ही और कुछ। मैं कुत्ते भी ऐसे पालता हूँ कि कोई मेरे खिलाफ मुंह नहीं खोलता। जिसको दबोचना है दबोच लो, लेकिन मुझे नहीं ढूंढ पाओगे। मौजूदा वक्त से 17 दिन बाद पुलिस को यह चेतावनी मिली थी और मौजूदा वक्त में पुलिस प्रमोद की हत्या में आशीष की भूमिका खंगाल रही थी। आशीष अपने बयान पर कायम था और अब पुलिस प्रमोद की फैमिली से दोबारा प्रमोद के करनाल जाने की वजह जानने की कोशिश कर रही थी। हाँ, मुझे याद आया, उस दिन प्रमोद और मैं क्लिनिक गए थे, वहां क्लिनिक बंद था। फिर वापस प्रमोद ने मुझे घर छोड़ दिया और वो कुछ कह रहा था। क्या कह रहा था, याद करने की कोशिश कीजिए। हाँ, वो कह रहा था कि मेरा लैपटॉप चार्जिंग पे लगा देना, मैं रात को लेट आऊंगा। भैया ने लैपटॉप चार्ज पे लगाने के लिए कहा, लेकिन भैया तो ऑफिस लेके जाते थे लैपटॉप। लेकिन उस दिन तो वो ऑफिस गया ही नहीं। उसने आपसे ये कहा था कि वो करनाल जाने वाला है? साहब, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से प्रमोद का बर्ताव कैसा था? कोई ऐसी चीज जो आपने नोटिस की हो, आपको अजीब लगी हो? हाँ सर, भैया ना कुछ दिनों से काफी ऑनलाइन चैटिंग कर रहे थे। किससे चैटिंग कर रहे थे? ये तो मुझे नहीं पता सर, लेकिन मुझे लगा था। भैया। हाँ। किससे बातें कर रहे थे? मेरे लिए भाभी मिल गई, लेकिन भैया ने मेरी बात टाल दी। सर, हो सकता है कि भैया की कोई ऑनलाइन फ्रेंड हो जो करनाल में रहती हो। प्रमोद का सोशल नेटवर्किंग अकाउंट किस नाम से था वो बताइए, और उसका लैपटॉप लेके आइए। सर, प्रमोद ने अपना सोशल नेटवर्किंग अकाउंट करीब 1.5 साल पहले बनाया था। प्रमोद किस किस के टच में था, मुझे हर एक आदमी की डिटेल चाहिए। जी सर। सर, ये किसी दीपांकर नाम के लड़के से लगातार चैटिंग कर रहा था, एंड सर लास्ट चैटिंग भी इसने दीपांकर से ही की थी। फिदा नहीं फना कहते हैं, जो कह न सके उसको जुबा कहते हैं। इसके जवाब में दीपांकर ने लिखा कि आपकी बातें आपसे मिलने की तमन्ना बढ़ा रही हैं, और फिर प्रमोद ने रिप्लाई किया, लेट्स टेक अ ब्रेक एंड होप फॉर द बेस्ट। और 2 घंटे के बाद उनकी चैटिंग फिर से हुई, और इस बार प्रमोद ने लिखा, ठीक है तो कल मिलते हैं, लेकिन कहाँ? करनाल। तो इसका मतलब है प्रमोद को दीपांकर ने करनाल बुलाया था, लेकिन किस जगह बुलाया था ये मेंशन नहीं किया हुआ है। दीपांकर के इस सोशल नेटवर्किंग अकाउंट से उसका नंबर मिल सकता है? सर, जो नंबर इसके अकाउंट पर ऐड होगा वो मैं आपको दे सकता हूँ। सर, ये नंबर है दीपांकर का। सुरेश, आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। सर, नंबर बंद है। ये नंबर सर्वेलेंस में डालो, इसके कॉल रिकॉर्ड निकालो, मुझे दीपांकर की हर एक डिटेल चाहिए। जी सर। हो सकता है प्रमोद की हत्या में दीपांकर का ही हाथ हो, और यह भी हो सकता है कि प्रमोद की फैमिली इस दीपांकर को जानती हो। हम इसे नहीं जानते, भैया के मुंह से कभी किसी दीपांकर का नाम नहीं सुना सर। सर, दीपांकर का फोन राजस्थान के अलवर के एक एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। सर, मैंने वहां पे अलवर पुलिस को भेजा था।
उन्होंने बताया कि उसका घर पिछले 6 महीनों से बंद है। सर, दीपांकर और प्रमोद की दोस्ती 2 महीने पहले ऑनलाइन हुई थी और उसके 1 महीने पहले तक दीपांकर की लोकेशन राजस्थान के कोटा की थी और उसके बाद उसकी लोकेशन लगातार करनाल की रहने लगी। इसका मतलब है दीपांकर का करनाल में कोई ठिकाना होगा जहाँ उसने प्रमोद को बुलाया था। हो सकता है सर, मैंने कोटा पुलिस और करनाल पुलिस दोनों जगह दीपांकर की फोटो को भेज दिया। सर, दीपांकर के कॉल रिकॉर्ड से एक नया नंबर सामने आया, किसी मधुबाला का है। ये दीपांकर और ये मधुबाला दोनों ही लगातार कॉल एक्सचेंज करते थे। मधुबाला कौन है ये? सर, मैंने इसके बारे में पता किया है, कोटा के हॉस्पिटल में नर्स है और वहीं हॉस्टल में रहती है। मधुबाला जी, आप लोग मुझसे मिलने आए हैं? जी, आपसे ही मिलने आए हैं। आपसे दीपांकर के बारे में कुछ पूछना है। दीपांकर? आपका चेहरा बता रहा है कि आप दीपांकर को अच्छे से जानती हैं। जी जानती हूँ, पर आप उसके बारे में क्या जानना चाहते हैं? आजकल कहाँ है वो? सर मुझे नहीं पता, उसका जब से फोन बंद हुआ है मुझे सच में नहीं पता वो कहाँ है। उसका फोन बंद है इसलिए तो आपसे मिलने आए हैं। अपना फोन बंद करके कहाँ गायब हो गया वो? मुझे खुद हैरानी हो रही है कि वो अपना फोन बंद करके कहाँ गायब हो गया है, पर आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? मर्डर किया उसने अपने दोस्त का, पहचानती हैं इसे? सो ये कौन है? मैं दीपांकर के किसी दोस्त को नहीं जानती। मुझे तो लगता है आप लोगों को गलत फहमी हुई होगी। इतना भरोसा है आपको दीपांकर पे? वैसे आप दोनों का रिश्ता क्या है? मैं और दीपांकर कैजुअल फ्रेंड्स हैं बस, और अब तो काफ़ी वक्त हो गया वो मुझसे यहाँ मिलने भी नहीं आया। मुझे तो ये भी नहीं पता वो कहाँ रहता है, और इसके अलावा मैं आपको और कुछ नहीं बता सकती क्योंकि और कुछ नहीं जानती। सुरेश सर, इस लड़की मधुबाला की पूरी डिटेल निकालो, मुझे ऐसा लगता है ये हमसे झूठ बोल रही है। ठीक है सर। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। दीपांकर का फोन 1 महीना पहले तक कोटा में एक्टिव था और मधुबाला का हॉस्टल भी कोटा में ही है। कोटा पुलिस से हमें दीपांकर के बारे में कोई लीड मिली है? नहीं सर, फिलहाल तो कोई लीड नहीं मिली। कोटा, चुरू, सोनीपत, भागपत, हर जगह धूल चटवाई है तुम्हें। अब तो मान लो शेर को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये चैलेंज पुलिस को मौजूदा वक्त से 13 दिन बाद मिला था और मौजूदा वक्त में प्रमोद मर्डर केस के प्राइम सस्पेक्ट दीपांकर का चौंका देने वाला इतिहास सामने आया था। सर, ये दीपांकर तो बहुत ही पहुंचा क्रिमिनल निकला। अरवल पुलिस ने इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन भेजी। सर, कुछ महीने पहले शराब बेचने का धंधा करता था। सर कॉन्ट्रैक्ट किलर है, राजस्थान के बहुत सारे बिजनेसमैन को धमकाने का आरोप लगा हुआ है और सर एक अलवर के बिजनेसमैन को मारने का आरोप भी है। और सर डीएनए रिपोर्ट से कंफर्म हो गया कि जो लाश करनाल के हाईवे पर मिली थी वो प्रमोद की है। अगर दीपांकर एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है और उसी ने प्रमोद को मारा है तो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर मामूली से लैब टेक्नीशियन को क्यों मारेगा? हाँ सुरेश। सर, करनाल पुलिस ने दीपांकर के उस ठिकाने का पता लगा लिया जहाँ दीपांकर पिछले 1 महीने से करनाल में किराए पर रहता था। ताला तोड़ो। सर, कांच पे खून के धब्बे भी हैं। प्रमोद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसके जख्मों में भी कांच के टुकड़े मिले थे। मुझे लगता है प्रमोद का मर्डर यही हुआ है। सुरेश, इन कांच के टुकड़ों पे जो ब्लड स्टेन्स हैं इन्हें प्रमोद के ब्लड ग्रुप से मैच करवा के देखो और इस जगह से लेकर हाईवे की वो जगह जहां प्रमोद की डेड बॉडी मिली थी पूरे रास्ते में पूछताछ करो। ठीक है सर। शर्मा जी,
इस घर के मालिक को बुलाइए। जी सर। आपने बिना पूछताछ के ये घर दीपांकर को किराए पे दे दिया? सर दिखने में तो बहुत ही भोला भाला लगता था वो, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि दीपांकर क्रिमिनल भी है। इसे पहचानते हैं? नहीं सर। प्रमोद नाम है इसका, 12 सितंबर की रात एक करनाल आया था, इसका यहाँ आना जाना था। सर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। खाना खा लीजिए माँ, आपके खाना नहीं खाने से भैया वापस तो नहीं आ जाएंगे ना? वो वापस नहीं आएगा, यही सोच के तो मेरी जान निकली जा रही है। प्रमोद के परिवार की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर थी, प्रमोद के अलावा घर में कमाने वाला कोई नहीं था और उसके जाने के बाद ये परिवार काफी नाजुक हालत में आ पहुंचा था। लेकिन सवाल यह था कि प्रमोद जैसे लैब टेक्नीशियन की हत्या का दीपांकर से क्या कनेक्शन था? प्रमोद की हत्या का मोटिव क्या था? क्या दीपांकर ने प्रमोद को मारने की सुपारी ली थी? लेकिन किससे और क्या वजह थी कि दीपांकर ने सोशल मीडिया पर प्रमोद से दोस्ती की थी? क्या यह कोई षड्यंत्र था? इन सारे सवालों के जवाब दीपांकर की तलाश पर निर्भर थे। और इसी बीच दीपांकर के करनाल वाले घर से मिले ब्लड स्टेन्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट आई। सर दीपांकर के करनाल वाले घर में जो खून के धब्बे मिले थे वो प्रमोद के ब्लड ग्रुप से मैच करते हैं। सर इसका मतलब ये हुआ कि प्रमोद को दीपांकर के घर पे मारा गया और उसके बाद उसे हाईवे पे ले जाकर डंप कर दिया गया। मर्डर करके बॉडी डंप कर देना अकेले दीपांकर ने तो नहीं किया होगा, हो सकता है उस रात उसके साथ कोई और भी रहा हो। और सर दीपांकर के कॉल रिकॉर्ड से बहुत सारे नंबर सामने आए हैं जिन्हें फेक आईडी देकर खरीदा गया था, लेकिन फिलहाल सारे नंबर बंद हैं। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि यही लोग दीपांकर की गैंग के हों? लेकिन सुरेश एक बात मुझे शुरू से खटक रही है, प्रमोद जैसा मामूली सा लैब टेक्नीशियन दीपांकर जैसे अपराधी से ऑनलाइन चैटिंग क्यों कर रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रमोद का दीपांकर के अपराधों से कोई कनेक्शन हो और यही उसकी मौत की वजह बना? इस प्रमोद की भी पूरी हिस्ट्री निकालो। सर सर मैंने मधुबाला के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, सर मधुबाला का नंबर पिछले दिनों करनाल में एक्टिव रहता था। सर मधुबाला के कॉल रिकॉर्ड में 3 नंबर ऐसे हैं जो फेक आईडी के हैं और इन नंबर से अक्सर मधुबाला को कॉल किया जाता था जो कि अभी बंद है। आप लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं कुछ तो बताइए, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मेरी बात तो सुनिए, मैं कहाँ क्यों लेकर जा रहे हैं मुझे? अरे सर मैं नहीं जानती दीपांकर कहाँ है, मेरा भरोसा कीजिए। इन नंबर से तुम्हें कई बार कॉल हुए हैं, किन के नंबर से हैं? अब बोलोगी या हम तरीका बदलें? सर मैं नहीं जानती, हो सकता है दीपांकर ने कॉल किया हो, उसका फोन बंद होने के बाद उसने मुझे एक दो बार दूसरे नंबरों से भी फोन किया था। एक दो बार नहीं कई बार, और तुम्हारा फोन करनाल में भी एक्टिव था जहां दीपांकर ने प्रमोद का मर्डर किया। ये है प्रमोद, तुम्हारा इसके मर्डर से क्या कनेक्शन है? सर मेरा कोई कनेक्शन नहीं है और मैं इसे जानती तक नहीं। दीपांकर के गैंग के बाकी मेंबर्स को तो जानती होगी। सर दीपांकर गैंग? सर मैं सिर्फ दीपांकर को जानती हूँ और उसका कोई गैंग नहीं है, वो तो अपना फैमिली बिजनेस संभाल रहा था। किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, ये सब धंधे हैं उसके, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा भी उसके धंधों से कोई लेना देना हो? मेरा कुछ लेना देना नहीं है किसी भी चीज से, मुझे तो लगता था कि वो बहुत अच्छे खानदान से है, अपना फैमिली बिजनेस संभालता है, मुझे नहीं पता था कि वो झूठ बोल रहा था मुझसे। चलो मान लिया कि उसने तुमसे झूठ बोला, लेकिन दीपांकर जैसे क्रिमिनल से तुम्हारी दोस्ती हुई कैसे? सर करीब 1.5 साल पहले मैं रुड़की के एक हॉस्पिटल में नर्स थी, दीपांकर अपने पापा के कैंसर का इलाज कराने वहाँ आया था। काफ़ी वक्त तक मैंने उसके पापा की देखभाल की पर कैंसर होने की वजह से वो ज़्यादा वक्त तक जी नहीं पाए। उनकी डेथ के बाद दीपांकर काफ़ी टूट सा गया था, उसी वक्त हमारी फ्रेंडशिप हुई। मतलब तुम उसे 1.5 साल से जानती हो, तो ये भी जानती होगी कि वो इस वक्त कहाँ है? सर मैं नहीं जानती, सर ये भी मुझे अभी पता चल रहा है आप लोगों से कि वो क्रिमिनल था,
देखो मधुबाला, अगर दीपांकर के बारे में कुछ भी जानती हो तो सच सच बता दो। सर मेरा भरोसा कीजिए, मुझे सच में नहीं पता दीपांकर का, मुझे सच में नहीं। क्या दीपांकर वाकई मधुबाला को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसे अंधेरे में रख रहा था? मधुबाला बार बार पुलिस से कह रही थी कि वो दीपांकर की आपराधिक छवि से बेखबर थी, लेकिन दीपांकर ने दोस्ती तो प्रमोद से भी की थी, तो क्या प्रमोद दीपांकर की आपराधिक छवि के बारे में जानता था? प्रमोद और दीपांकर की दोस्ती से दुश्मनी का ये राज अभी बेपर्दा होना बाकी था। और इसी बीच पुलिस को दीपांकर से जुड़ी एक और अहम जानकारी मिली। सर कोटा पुलिस का फोन था, दीपांकर के कोटा वाले घर का पता चल गया जहां दीपांकर रहा करता था। कोटा चलने की तैयारी करो। सर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जिससे दीपांकर की लीड मिल सके। ये घर कब से बंद है? पड़ोसी से पता चला है कि यहाँ एक महीने से ताला लगा हुआ है। पहले दीपांकर अक्सर यहाँ आया करता था। तो यहाँ दीपांकर के साथ कोई और भी रहता था? जी सर, पूछताछ पे पता चला है कि एक लड़की भी उसके साथ रहती थी। कौन लड़की? पापा, ये पैसे कहाँ से लाई तू? भैया के बॉस का फोन आया था, उन्होंने मुझे लैब बुलाया था। ये भैया की आखिरी सैलरी है। अलमारी में रखते माँ, ये रही इस मंथ की सैलरी और ये रहा आपके लिए गिफ्ट। अरे बेटा, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? वैसे ही तेरे ऊपर घर के सारे खर्चे हैं, ऊपर से घर की लोन भी तू ही भरता है, ये सब की क्या जरूरत थी बेटा? आप ना बहुत टेंशन लेते हो, आप ना थोड़ा रिलैक्स करो। पानीपत पुलिस वालों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक निर्दोष लड़की को अरेस्ट करने की? सर, दीपांकर प्रमोद से जिस सोशल मीडिया अकाउंट से बात किया करता था वो दोबारा एक्टिव हो गया, और सर इसने इस बार ये पोस्ट किया अंबाला से। पानीपत पुलिस वालों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक निर्दोष लड़की को अरेस्ट करने की? मधुबाला को अभी के अभी छोड़ दो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। सर मैंने अंबाला पुलिस को इसकी लोकेशन अपडेट कर दी है। प्रमोद की हत्या के 10 दिन बाद दीपांकर ने सोशल मीडिया पर पहला धमकी भरा पोस्ट किया था और पुलिस को दीपांकर के हाइड आउट का भी पता चला था। सुरेश अंदर चेक करो। सर मुझे मालूम था तुम यहाँ आओगे लेकिन मुझे कभी ढूंढ नहीं पाओगे। अब इस कागज की बत्ती बना। दीपांकर के सिरफिरेपन की ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अंबाला के बाद हरियाणा, यूपी और राजस्थान की कई जगहों से वो लगातार कई चेतावनी भरी पोस्ट अपडेट कर रहा था। सर दीपांकर ने इस बार पानीपत से पोस्ट किया है। पानीपत पुलिस वालों, मैं खुद पानीपत में आ गया, हिम्मत है तो ढूंढ के दिखाओ।
सर, सर दीपांकर ने एक और पोस्ट किया है। तुम मुझे पानीपत में ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा करनाल में इंतजार कर रहा हूं। अच्छा, पकड़ लो। त्यागी, पूरे करनाल में सेल लगा दो, कोई भी रोड छूटना नहीं चाहिए। ये कितना भी शेर बन ले, इसकी गिदड़ भपकी इस बार कामयाब नहीं होनी चाहिए। आप बोलो सुरेश। सर, दीपांकर ने इस बार आगरा से एक नया वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो? मैंने मारा प्रमोद को। पानीपत पुलिस वालों, अगर मर्द हो तो मर्द से बातें करो, पकड़ के दिखाओ मुझे। आखिरी चेतावनी देता हूं, अगर उस मासूम मधुबाला को दो दिन में नहीं छोड़ा तो उसके एक एक आंसू का बदला तुम सबसे लूंगा। तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारी औरतों को उठा लूंगा, फिर ना अपनी वर्दी की इज्जत बचा पाओगे ना अपनी औरतों। पानी सर के ऊपर से गुजर रहा है, हमें किसी भी तरह इस आदमी को पकड़ना है, वरना पूरा मीडिया हमारी जगह सही करेगा। अपने खबरियों के नेटवर्क को फैलाओ, मुझे जल्द से जल्द आदमी अंदर चाहिए। मूव। ओके सर। पुलिस इस बार पूरी मुस्तैदी से दीपांकर को ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक के बाद एक नई कोशिशों में असफलता हाथ लगने के बाद अब पुलिस को दीपांकर को पकड़ने का एक और मौका मिला था। जगह थी हरियाणा का सोनीपत शहर, बस इंतजार था दीपांकर और पुलिस के आमने सामने आने का। सुरेश, बी अलर्ट। सर, हाथ को आया पर मुंह ना लगा। अब मैं चला विदेश, कभी ना पकड़ पाओगे मुझे। एक कुख्यात अपराधी अब विदेश भागने की फिराक में था और अब पुलिस ने अपने खबरी नेटवर्क को और भी सक्रिय कर दिया था। और कुछ दिनों बाद पुलिस को दीपांकर की एक और सूचना मिली। हाँ अशोक, बोल। साहब, सोनीपत ना से यूपी के गाजीपुर में एक चांस मार सकते हो। चांस नहीं मारना अशोक, सीधे दबोचना है उसे। खबर बोल। दीपांकर, उसके गैंग ने गाजीपुर में एक सुपारी ली है साहब, और आज रात वो किसी का मर्डर करने वाले हैं। उससे पहले हम उसे खत्म कर देंगे, तो ठिकाना बता उसका। पैकिंग हो गई के? चल जल्दी कर, निकलना है। देख कौन है। सर, नूडल्स। देख देख देख। शेर तो कभी मुर्गा नहीं बनता। अब बोल क्या है तू। बहुत
प्रमोद को क्यों मारा? मैंने ना मारा किसी को, और सोशल नेटवर्किंग पे अकाउंट भी मेरा ना है। कोई मेरा फोटो डाल के बदनाम कर रहा है मुझे। ऐसा मैं कोर्ट में बोलूंगा। घना शाना ना बना है, तेरी सहेली है ना मधुबाला, सब कुछ उगल चुकी है। सर मधुबाला की हिस्ट्री खोद के निकाली है। 7 साल पहले अंबाला के एक इंस्टीट्यूट में ये नर्सिंग का कोर्स कर रही थी, और सर प्रमोद भी उसी इंस्टीट्यूट में लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर रहा था। मतलब मधुबाला प्रमोद को पिछले 7 साल से जानती थी, तो हो सकता है प्रमोद के घर वाले भी मधुबाला को जानते हो। जी इसे पहचानती है? ये भैया की बहुत अच्छी दोस्त थी, भैया इसे शादी भी करना चाहते थे। करीब 7 साल पहले की बात है, मैंने उसे अपनी फैमिली से भी मिलवाया था, पर मेरे पापा को पसंद नहीं आया। प्रमोद की फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं थी, पापा को लगता था कि वो मुझे कभी खुशी नहीं रख पाएगा। आई एम सॉरी प्रमोद, पापा हमारी शादी नहीं होने देंगे। उसके बाद रुड़की में मेरी जॉब लग गई, हॉस्पिटल में। वहाँ मैं दीपांकर से मिली और हम लोग काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। सर पापा को वो बहुत पसंद आया, उसके पास घर था, गाड़ी थी, पापा को लगता था वो मुझे बहुत खुश रखेगा, पर सर हम ये नहीं जानते थे कि वो एक क्रिमिनल है। लेकिन तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड प्रमोद की उससे दोस्ती कैसे हुई? दोस्ती मैंने की उससे क्योंकि वो मुझसे मेरी मधुबाला को छीनना चाहता था। तुम अभी प्रमोद से बात करती हो? ऐसा कुछ भी नहीं है दीपांकर। मैंने तो उसी दिन उसे खत्म करने की सोच ली थी, लेकिन वो मधुबाला के टच में था, इसलिए मैंने प्रमोद से सोशल मीडिया पर दोस्ती की और 12 सितंबर को मैंने उसे करनाल बुलाया। अरे तू क्यों रो रही है? वो तो तेरा पास था ना। ये हुई ना बात, चल अब अपने पास को कुचल दे और साबित कर कि तू मुझसे कितना प्यार करती है। अच्छा अच्छा चल कुचल दे उसे। अरे चल कुचल, चलना सर। मैं दीपांकर को रोक नहीं पाई क्योंकि मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली। तो तुमने क्या सोचा था, एक क्रिमिनल तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे को एक ब्राइट फ्यूचर देगा? झूठी चकाचौंध को देखकर हम अक्सर बुरे को अच्छा समझने की भूल कर बैठते हैं। दोस्ती, प्यार, शादी, ये ऐसे रिश्ते हैं जिनका फैसला बहुत सोच समझ कर लिया जाता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.